अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट बेसिकली इस्तेमाल करते हैं जो हर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या हमें प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, एक ऐसा इंटरफेस कि आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम। अब कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन होती है वो इनको कंट्रोल करता है। इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जो हर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं? विंडो 7, 8, 11, 10, कोई भी विंडो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ये जो है ये कॉमन आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? द होम स्क्रीन वर्क एरिया दैट कंटेन्ड विंडो आइकॉन्स मेन्यू एंड डायलॉग बॉक्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप। के आपके पास जो होम स्क्रीन का वर्किंग एरिया है जिसके ऊपर विंडो का आइकॉन हो, मेन्यू हो, डायलॉग बॉक्स हो, उसको आप डेस्कटॉप कहते हैं। इट इज द इंटरिंग पॉइंट इन विंडो। किसी भी विंडो में इंटरिंग पॉइंट जो होता है वो आपका डेस्कटॉप होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर का एक आइकॉन आपको नजर आता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो क्या होता है? माई कंप्यूटर आइकॉन्स इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर। अब जो भी कंप्यूटर के चीज अंदर चीज पड़ी हुई है उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो माई कंप्यूटर के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इधर एक आइकॉन है ऐसा, कुछ के ऊपर माई कंप्यूटर लिखता है, कुछ के ऊपर आप उसे रीनेम करके पीसी भी लिख सकते हैं। अब जब इसको आप ओपन करते हैं इसके अंदर हार्ड डिस्क आपका सारा डाटा इसके अंदर पड़ा होता है, एवरीथिंग इन ओन कंप्यूटर। इट इज यूज टू व्यू डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। अब किस लिए इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज को देखने के लिए। दैट रिसोर्सेज इंक्लूड ड्राइव, फाइल्स एंड फोल्डर। वो क्या हो सकते हैं? कोई फाइल हो सकती है, फोल्डर्स हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। ये हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। इट इज यूज टू कीप डिलीटेड फाइल। अब इसमें क्या पड़ा होता है? रिसाइकल बिन में डिलीटेड फाइल पड़ी होती है। वेन अ फाइल आर फोल्डर इज डिलीटेड इज इट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क परमानेंटली। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर से या हार्ड डिस्क डिलीट नहीं होती, वो कहाँ चली जाती है? वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। जब तक आप रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं करते तो वो हार्ड डिस्क से परमानेंटली डिलीट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास होता है माई डॉक्यूमेंट। अब माई डॉक्यूमेंट में क्या होता है? माई डॉक्यूमेंट इज अ फोल्डर दैट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द विंडो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इट इज यूजफुल फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसमें बेसिकली क्या सेव होता है? डॉक्यूमेंट सेव होता है। नेक्स्ट आपके पास होता है माई नेटवर्क प्लेसेज। माई नेटवर्क प्लेसेज इज अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप। इट कंटेन आईकॉन दैट रिप्रेजेंट द ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड व्यू ऑफ नेटवर्क। अब जब इस आइकॉन को आप ओपन करते हैं तो आपके पास वो सारे कंप्यूटर या डिवाइसेज आ जाती हैं जो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर एक्ट एज अ फाइल मैनेजर इन अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके साथ फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर के तौर पे काम करता है। इट इज यूज टू मैनेज द फोल्डर ऑन कंप्यूटर। अब आप जो कंप्यूटर में फोल्डर को मैनेज करते हैं उनके लिए आप विंडो एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी यूज टू कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम और डिलीट फाइल एंड फोल्डर। किसी फाइल को आपने डिलीट करना है, रीनेम करना है, कट करना है, कॉपी करना है तो आप विंडो एक्सप्लोरर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आपके पास होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर। ये एक आपके पास वेब ब्राउजर होता है जहां से आप चीजें सर्च करते हैं। इट इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल हमारे पास क्या होता है? कंट्रोल पैनल इज द प्लेस टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क। सिस्टम के जो सारे मैनेजमेंट के टास्क हैं वो कंट्रोल पैनल में होते हैं, सारी सेटिंग्स जो होती हैं। इट इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग, अन इंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर डिवाइस।
कोई भी नया हार्डवेयर डिवाइस आपने इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करते हैं वो कंट्रोल पैनल से जाके कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मैनेज ऑपरेटिंग रिसोर्सेज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होता है जिसकी मदद से आप पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू शेयर प्रिंटर एंड सेटअप डाटा एंड टाइम। क्या है जी, इसमें आप डेट टाइम या अपना डाटा को सेटअप कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक आइकॉन होता है विंडो का। अब विंडो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। सारे जो हमने ग्राफिकल ऑब्जेक्ट पढ़े हैं उनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो विंडो होता है। लास्ट पे हमारे पास होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन ये लेफ्ट कॉर्नर पे होता है हर जो होता है हमारे पास। कोई भी आप विंडो इंस्टॉल कर ले तो इस तरह का आपके पास ये होगा स्टार्ट बटन। बेसिकली ये किस लिए इस्तेमाल होता है, स्टार्ट बटन इज यूज टू एक्सेस मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। के कंप्यूटर में जितने भी आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किए उनको एक्सेस करने के लिए स्टार्ट बटन इस्तेमाल होता है। इट इज द यूज टू परफॉर्म फॉलोइंग टास्क इजीली। ओपनिंग और सर्च आ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट का आपने ओपन करना है या सर्च करना है आप ये इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट बटन। चेंजिंग वीडियोज सेटिंग, किसी वीडियो की सेटिंग चेंज करनी है। मैनेज फाइल, किसी फाइल को आपने मैनेज करना है। गेटिंग हेल्प, कोई हेल्प चाहिए आपको या मेंटेन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी आप इस बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।